गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोप्राइटरशिप। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करें हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस की, कि हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस सीखा था किस तरीके से होता है। देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस अगर अपन अकाउंट्स की डेफिनेशन पे चलें वापस से, तो क्या किया था हमने कि बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके से रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करना है, जिससे कि हमको क्या पता चल सके, एक पीरियड ऑफ टाइम का, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का क्या पता चल सके, प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। तो तीन स्टेप्स बेसिकली आपकी है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग के स्टेप्स आप लोगों ने सीखी। रिकॉर्डिंग के स्टेप्स में हम लोगों ने क्या किया, तो जर्नल बनाई, और क्या बनाया, तो आपने सब्सिडरी बुक्स बनाया। क्लासिफिकेशन में आपने क्या किया, जर्नल और जो सब्सिडरी बुक्स बनाई थी उनकी एंट्रीज को पोस्ट किया कहाँ पे, लेज़र के अंदर, और उनके बैलेंसेस कैलकुलेट किए। उन बैलेंसेस को हमने समराइज करके एक फॉर्मेट के अंदर लिखा, जिसको हमने बोला क्या, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया, तो आपके पास क्या आ गए, सभी अकाउंट के बैलेंसेज आ गए। अब उन बैलेंसेज से हमको क्या करना है, तो किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के क्या निकालने हैं आपको, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। रीज़न, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हमको ये पता चलेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है, और बैलेंस शीट बना के हमको ये पता चलेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में क्या है, यानी उसके पास कितनी असेट्स है और उसके अगेंस्ट में उसके लिए कितनी लाइबिलिटीज़ है। तो ये चैप्टर हम लोगों को स्टार्ट करना है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट में ये डिवाइड है। अगर मैं आपको बात करूँ आपके सिलेबस के हिसाब से, पहला जो चैप्टर हम लोग बोलते हैं वो है चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आपको, लेकिन उसके अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। उसमें क्या करना है आपको, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, लेकिन उसके साथ क्या आ जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगे। क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो मेनली हम लोगों को सीखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी की अगर अपन बात करें, किसी भी फर्म की अगर अपन बात करें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या पार्ट होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो आप क्लास 12th में सीखेंगे, एक्चुअल में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ PNL वहाँ पे बनता है, बैलेंस शीट बनती है, लेकिन उसका फॉर्मेट अलग होता है बेटा। हमारे को यहाँ पे फॉर्मेट अलग है इस साल, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या फॉर्म के लिए जो अकाउंटिंग आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं, वो हम लोग इस साल सीख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो नाम दिया हुआ है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या, सिंगल पर्सन का अगर बिजनेस है तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, यानी प्रोप्राइटरशिप आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में डिस्कस किया होगा क्या होता है। तो सिंगल पर्सन का सिंगल बिजनेस है ना, जिसका एक ही ओनर है, वो क्या कहलाती है आपके लिए, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा कुछ थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने चैप्टर 2-3 में कहीं स्किप करी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे कवर होगी, क्लोजिंग एंट्रीज यहाँ पे कवर होगी। तो पहले उस पर फोकस रखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करते हैं, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से, फॉर्मेट ट्रेडिंग PNL के रहते हैं और सॉल्यूशंस किस तरीके से करना है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, उसमें साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो क्या करना है आपको, प्रॉफिट लॉस निकालना है क्या बना के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या कैलकुलेट करना है, तो फाइनेंशियल पोजीशन। उसके लिए आपको बेसिकली तीन वर्किंग करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ऑफ एनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, तो तीन चीज़ें बेसिकली बनेगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनेगा, बैलेंस शीट। क्लियर है। अब देखिए, जो क्लासिफिकेशन है वो दिया हुआ है आपको क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी है। देखते हैं क्या दिया हुआ है, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड द अकाउंट्स अपियरिंग देयर इन आर ट्रांसफर टू आइदर टू द ट्रेडिंग अकाउंट और टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू बैलेंस शीट। जो भी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हैं
वो या तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, हमको ट्रांसफ़र करना है, क्लियर। लेकिन कौन से आइटम को कहाँ लिखना है उसके लिए हमको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती है, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहला आपको दिया हुआ है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट्स ऑफ एंडोरिंग नेचर, दैट इज़ द बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर विल बी फॉर पीरियड और पीरियड्स बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको फ्यूचर में भी क्या देंगे, बेनिफिट्स देंगे। आपने असेट की डेफिनेशन अगर पढ़ी होगी तो हम लोग क्या बोलते थे वहाँ पे कि असेट जो आप खरीदते हैं वो नॉट मेंट फॉर सेल होती है और वो क्या करती है, हमको फ्यूचर बेनिफिट्स देती है, केवल एक अकाउंटिंग पीरियड या दो अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए क्या मिलते हैं, हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो हमारे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेस्ट एग्जांपल इसके लिए क्या है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये जो आप खरीदते हैं इनका क्या नेचर रहता है कि ये आपको प्रोडक्शन करके देंगे और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म तक आपको अर्निंग करके देंगे, तो ये कहलाते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट्स हमको क्या मिलते हैं, लॉन्ग टर्म तक, फ्यूचर तक में आपको क्या मिलेंगे, एक अकाउंटिंग या दो अकाउंटिंग पीरियड तक लिमिटेड नहीं है बल्कि आने वाले बहुत टाइम तक क्या मिलते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो एक्सपेंसेस आपके लिए कौन सा एक्सपेंसेस कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये जो सब खरीदते हैं इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, ये सब आपके लिए कौन से एक्सपेंसेस कहलाते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ऑब्वियसली चीज़ें अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो नेचर होते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने किया है उसको कहाँ शो करेंगे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ द एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, इट इनकर्ड इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फिक्स असेट्स एक्सेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, बिजनेस को रेगुलर चलाने के लिए, डे टू डे उसके ऑपरेशंस स्मूथली चल सकें उसके लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, और इनका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, वो एक्सपेंसेस हमारे लिए कौन से एक्सपेंसेस कहलाते हैं बेटा, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सैलरी का पेमेंट आप अपने एम्प्लॉय को करते हैं, अगर एक महीने की सैलरी का पेमेंट आपने किया है तो वो आपके यहाँ पे सिर्फ एक महीने ही वर्क करेगा। रेंट का पेमेंट अपने ओनर को आपने पे किया है, मान लीजिए शॉप का जो ओनर है दो महीने का रेंट पे किया है तो वो आपको दो महीने ही रहने देगा, ऐसा नहीं कि आप तीसरे महीने का रेंट नहीं पे करने देंगे तो आपको रहने देगा, वो दुकान से आपको निकाल देगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोलना है कि इनके बेनिफिट जो है एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए दूसरा, डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, जिससे अर्निंग कैपेसिटी जो है हमारी इंक्रीज हो, अर्निंग कैपेसिटी के लिए प्लांट मशीनरी है लेकिन प्लांट मशीनरी को चलाने के लिए लेबर तो चाहिए और उस लेबर को क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए मेंटेनेंस ऑफ फिक्स असेट्स, रिपेयर वगैरह आप करवाते हैं फिक्स असेट्स का, उसके लिए जो भी आप पेमेंट करते हैं वो कौन से एक्सपेंसेस कहलाएंगे आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो दो एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या कि एंड्योरिंग बेनिफिट हैं आपको, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर में भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसके लिए जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, जो शॉर्ट टर्म में कंज्यूम हो जाते हैं, दूसरी चीज़ बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए, स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स असेट्स के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो आपके लिए क्या कहलाते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो शायद मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी इनकॉर्पोरेट तो किया था लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं था, या मैंने यही बोला था कि अभी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, लेकिन अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी आप समझ पाएंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेटा फिक्टिशियस असेट्स। वहाँ पे भी आपने लिखी थी, फिक्टिशियस असेट्स भी लिखी थी है ना, कि पार्ट ऑफ असेट्स में, तो फिक्टिशियस असेट्स में आपने अगर शायद डेफिनेशन लिख रखी चैप्टर नंबर 2 में कि फिक्टिशियस असेट्स आर नॉट असेट्स बट ये क्या होते हैं, हमारे बिजनेस के लॉसेस होते हैं। तो क्या होते हैं फिक्टिशियस असेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या,
कि है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, लेकिन उसका अमाउंट बहुत हैवी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका मतलब क्या कि उसका जो बेनिफिट है वो आपको कम टाइम पीरियड के लिए ही मिलेगा, मे बी करंट ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर तक के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो अमाउंट जो है वो बहुत हैवी अमाउंट है। क्या होता है बेटा, बहुत सी बार जब मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है या कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके लिए बहुत सारा प्रमोशन करना पड़ता है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं। उसके लिए जो आप एक्सपेंसेस करते हैं बहुत हैवी एक्सपेंसेस होता है उस टाइम पे, उसका बेनिफिट करंट ईयर में भी नेक्स्ट ईयर तक रहता है। तो वो एक्सपेंडिचर आपके लिए कौन से एक्सपेंडिचर कहलाएंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि नेचर तो कैसा है, रेवेन्यू नेचर ही है, लेकिन अमाउंट जो है काफ़ी है या बेनिफिट जो है एक दो सालों तक क्या मिलेगा उसको आपको रिसीव होगा, इसलिए वो एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाते हैं आपके लिए? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब होता क्या है, आप देखिए कि बहुत हैवी अमाउंट आपने एक्सपेंडिचर कर दिया करंट ईयर में, तो अगर पूरा का पूरा अमाउंट अगर हम लोग राइट ऑफ करेंगे, पूरा का पूरा अमाउंट अगर अपन लोग लिखेंगे एज ए एक्सपेंसेस, तो फर्म को, कंपनी को क्या होगा उस करंट ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में क्या होने लग जाएंगे, बहुत हैवी लॉसेज हो जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, डेफर्ड कर दिया जाता है। डेफर्ड कर देने का मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया हमने और उसको डिवाइड कर दिया 20,000 के 5 पार्ट्स में, कि 20,000 करंट ईयर में राइट ऑफ करेंगे, 20,000 नेक्स्ट ईयर में, फिर 20,000 नेक्स्ट ईयर में, एंड सो ऑन सो फोर। तो 20,000 जो आप राइट ऑफ कर रहे हो वो आपने क्या कर दिया, डेफरमेंट कर दिया एक्सपेंडिचर का। अब जो 20,000 आपने करंट ईयर में राइट ऑफ कर दिया वो तो P&L अकाउंट में चला जाएगा, हम लोग सीखेंगे। अब करंट ईयर में एक्सपेंडिचर किया 1 लाख का, राइट ऑफ किया सिर्फ कितना, 20,000 का, यानी 80,000 का लॉस, 80,000 का एक्सपेंसेस अभी भी ऐसा है जिसको राइट ऑफ नहीं किया। एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंसेस होते हैं बेटा, तो डेबिट बैलेंस होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक भी राइट ऑफ नहीं हुए, ऐसे लॉसेस जो अभी तक भी राइट ऑफ नहीं हुए, उसको कहाँ पे लिखेंगे, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि असेट्स का भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस जिसको अभी तक आपने करंट ईयर में राइट ऑफ नहीं किया है P&L अकाउंट में और उनका बैलेंस अभी भी है, तो उसको कहाँ शो करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो वो जो बैलेंस शीट के असेट साइड में शो कर रहे हो, एक्चुअल में वो आपकी असेट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके लॉसेज हैं, उनका डेबिट बैलेंस है, इसलिए आपको कहाँ लिखना पड़ रहा है उनको, बैलेंस शीट के असेट साइड में। इसीलिए ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है, फिक्टीशियस असेट्स। क्यों बोलते हैं फिक्टीशियस असेट्स? क्योंकि लिखे असेट्स कॉलम में रहे, तो एक्चुअल में वो आपकी असेट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि असेट्स कॉलम में लिख रहे हैं इसलिए उनको बोला जाता है क्या, फिक्टीशियस असेट्स। तो फिक्टीशियस असेट्स का मतलब क्या, ऐसे लॉसेज या एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में राइट ऑफ नहीं हुए हैं, लेकिन उनको हम लोगों को कहाँ लिखना पड़ रहा है, बैलेंस शीट के असेट साइड में, इसलिए उनको कौन सी असेट बोला जाता है, तो फिक्टीशियस असेट्स। एक्चुअल में वो हमारे लिए असेट्स नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टीशियस असेट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है हमने। इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स बेनिफिट विल एक्सटेंडेड बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। एक साल या उससे ज़्यादा के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो सच एन एक्सपेंडिचर इज यूजुअली लार्जर देन द नॉर्मल एक्सपेंडिचर अंडर द हेड। अमाउंट जो है उनका ज़्यादा रहता है नॉर्मल एक्सपेंसेस से। अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। जितना राइट ऑफ आप कर रहे हो, जितना करंट ईयर में राइट ऑफ कर रहे हो, उसको कहाँ पे लिखेंगे, P&L अकाउंट में। एंड अमाउंट नॉट रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और जो आपने राइट ऑफ नहीं किया उसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिक्टीशियस असेट्स। जो आपको चीज़ें चैप्टर नंबर 2 में समझ नहीं आई वो यहाँ पे आपको क्लेरिफाई हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद दो चीज़ें दी हुई आपको, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या है देखिए, कैपिटल रिसिप्ट द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइजेस दैट आर नॉट इनकम। ऐसा अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है जो आपके लिए इनकम नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट डज नॉट इफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, फर्नीचर आपने सेल किया, असेट है, असेट का जैसे मान लीजिए मशीनरी है, कोई पुरानी हो गई, स्क्रैप हो गया फर्नीचर है, उसको आपने सेल किया, तो उससे जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है वो आपके लिए कौन सी रिसिप्ट कहलाएगी बेटा, कैपिटल रिसिप्ट। उस पर होने वाला प्रॉफिट लॉस बाद में एडजस्ट करेंगे, लेकिन वो जो पैसा आपको रिसीव हुआ है वो आपके लिए कौन सी रिसिप्ट कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट, क्लियर है। और कैपिटल रिसिप्ट का प्रॉफिट और लॉस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है,
इसी के अगेंस्ट में नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉन एज क्या रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे गुड्स अगर मैं बोलूँ किसी के मोबाइल शॉप है तो वो मोबाइल जो सेल करता है उससे जो उसको पैसा मिल रहा है वो उसके लिए क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर मान लीजिए कोई लॉयर है वो कंसल्टेंसी का बिजनेस करता है तो लॉयर के काम से जो लीगल जो कंसल्टेंसी वो दे रहा है उससे जो उसको पैसा रिसीव हो रहा है वो उसके लिए क्या कहलाएगा बेटा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएंगे। मेनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेवेन्यू रिसिप्ट्स अराइज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो उसका मेन वर्क है उसकी वजह से जो आज मान लीजिए कोई जनरल स्टोर है उसी का काम क्या है गुड्स को सेल करना, तो गुड्स सेल करने से जो उसको पैसा रिसीव हो रहा है वो उसके लिए कौन सी रिसिप्ट कहलाएगी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी। हैंस दीज आर शोन एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में किस तरीके से शो करते हैं वो हम सीखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए जो आपको कंसेप्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसके लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितना गुड्स सेल किया और कितना गुड्स परचेज किया उसका रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें परचेज सेल से रिलेटेड कोई अगर एक्सपेंसेस हैं, परचेज से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे मेनली। द डिफरेंस इन टू साइड्स यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होगा इज आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, या तो क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है तो हमारे को आएगा क्या ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर मान लीजिए डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है तो हमको आएगा क्या ग्रॉस लॉस। आगे देखिए क्या लिख रखा है, क्लोजिंग एंट्रीज हमने करिए पास्ड इन द जर्नल प्रॉपर। क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में अगर अपन बात करें, क्लोजिंग एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। क्या होती है क्लोजिंग एंट्रीज आप समझना, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको क्लियर होगा, जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेज हैं, जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेज हैं चाहे एक्सपेंसेस हों चाहे इनकम हो, उन सबको हम लोग ईयर एंड में क्या है ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, ईयर एंड में ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे थे क्या कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, तो देखिए नॉमिनल अकाउंट के जो बैलेंसेज होते हैं उनको एट द ईयर एंड हम लोग क्या ट्रांसफर कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं या कहाँ पे ले जाके क्लोज करते हैं, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके क्या करते हैं क्लोज करते हैं, और उसके लिए जो एंट्रीज हम लोग पास करते हैं उसको कौन सी एंट्री बोलते हैं बेटा, तो क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। फॉलोइंग क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड इन जर्नल प्रॉपर एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त कौन कौन सी क्लोजिंग एंट्रीज होती है और किस तरीके से होती है देखिए आप, फोर एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक तरीके से मैं बोलूं जो एक्सपेंसेस आपने डेबिट किए, जैसे मैं बोलूं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश जब पेमेंट किया था तो एंट्री क्या करी आपने, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वेजेस अकाउंट आपके लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको क्या करना है क्लोज करना है एट द ईयर एंड में, तो इसके लिए एंट्री बनेगी क्या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये जो एंट्री हमने बोली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट ये कौन सी एंट्री कहलाएगी बेटा, क्लोजिंग एंट्री कहलाएगी। क्लियर, फिर इसके बाद पॉइंट नंबर टू देखिए आपको क्या दिया हुआ है, फोर एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या एंट्रीज करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जब आपने सेल करी होगी तो आपने क्या एंट्री करी होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रांसफर जब आप कर रहे हैं इसको क्लोज जब आप कर रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है, फाइनली आप ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आप कैलकुलेट करते हैं उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, तो नेट ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए। और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जब आप ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में तो उसके लिए हम लोग इसको ट्रांसफर एंट्रीज भी बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब ट्रांसफर होता है तो आप क्या एंट्री करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट और सॉरी टू पीएनएल अकाउंट। और ग्रॉस लॉस जब ट्रांसफर होता है तो एंट्री बनती है क्या, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है,
ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को पीएनएल अकाउंट में जब ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए इनको ट्रांसफर एंट्रीज भी बोला जाता है। और ये भी कहाँ पे पास होगी, तो आपके जर्नल प्रॉपर के अंदर पास होगी। तो क्लोजिंग एंट्रीज हमने डिस्कस करी नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को एट द ईयर एंड में राइट ऑफ करने के लिए, और ट्रांसफर एंट्रीज भी हम लोगों ने डिस्कस करी। आगे भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, उसके लिए किस तरीके से एंट्री करेंगे सीखेंगे हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट का आप लोगों को फॉर्मेट दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट देखिए आप, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, है ना, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है ये ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 2019 जो भी है। तो इस वजह से लेजर में इधर डेट का कॉलम नहीं बनता है, लास्ट डेट पे बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडेड। तो जिस डेट पे बनाया जाता है उसी डेट को ऊपर लिखी हुई है, तो इसलिए दोनों साइड में डेट का कॉलम नहीं बनेगा। डेबिट साइड में क्या क्या आता है देखिए एक बार आप, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज में से क्या माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं हम लोग, वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज जो आपने कैरेज पे करा है वो कहलाता है आपके लिए क्या, कैरेज इनवर्ड। फ्रेट एंड कार्टेज, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब कहाँ पे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब कहाँ पे आएंगे बेटा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, तो बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस अगर आप इसको करोगे तो बैलेंस करने से क्या आएगा, या तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और यह आएगा क्या, ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, तो क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल आप करेंगे, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है तो आपको आएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए डेबिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा आती है तो आपको आएगा क्या, ग्रॉस लॉस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस। चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, दोनों ही ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, तो पीएनएल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, इसको ट्रांसफर करते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है पीएनएल अकाउंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, तो पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट नेट लॉस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने लिखा है वही, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जितना भी होगा जो भी डेट होगी। फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होके आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और ग्रॉस लॉस है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर जितनी भी इनकम जो रह गई है, इनडायरेक्ट इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ पे आएगी, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जितने भी एक्सपेंसेस रह गए ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा वो सब कहाँ पे लिख देंगे हम लोग, पीएनएल अकाउंट में। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी है, रेंट है, आप अपनी बुक में अगर चेक करेंगे पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लीगल चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, कन्वेंस, कार्टेज, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं जो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फाइनली इस पे भी क्या कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट, और अगर मान लीजिए डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो हमारे को क्या है, नेट लॉस होगा, क्लियर। क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, वो भी मैंने आपको नोट डाउन करके दी है। दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से अगर कोई एक्सपेंसेस हैं वो अगर रिलेटेड नहीं है तो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसे इनकम्स जो डायरेक्टली सेल से रिलेटेड नहीं है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है, ये सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स कहलाती है, क्लियर। क्लोजिंग एंट्रीज पीएनएल अकाउंट में क्या होगी, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। जब आपने सैलरी का पेमेंट किया था तो एंट्री क्या करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब उसको क्लोज करोगे पीएनएल अकाउंट में तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो देखिए आपने क्या करा है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट अगर आपने पे किया था तो एंट्री क्या करी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ईयर एंड में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं पीएनएल अकाउंट में, एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्लियर है। इसी तरीके से इनकम क्रेडिट साइड के लिए बताया इन्होंने, क्या बोला, जब इनकम रिसीव हुई, मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ था तो एंट्री करी हम लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड।
अब राइट ऑफ करना है, इसको क्लोज करना है, कहाँ पे पीएनएल अकाउंट में ले जाके, तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो यहीं पे यही लिखा है आपने, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। और फिर लास्ट में वापस दोनों आप कह सकते हैं ट्रांसफर एंट्रीज है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो आप लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नेट लॉस होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? एक लास्ट कंसेप्ट जो आपको इसमें दिया हुआ है वो है किसका बेटा, बैलेंस शीट के लिए क्या है, तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। बैलेंस शीट बनाई जाती है टू असेस द फाइनेंशियल पोजीशन, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी, कितनी आपके पास असेट्स है और कितनी आपके पास लाइबिलिटीज़ है, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या लिखा है देखिए, स्टेटमेंट विच सेट आउट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ फर्म और एन इंस्टीट्यूशन एज एट एन अ सर्टेन डेट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से बनाए जाते हैं, रियल अकाउंट्स ऑल द असेट्स, पर्सनल अकाउंट में आपकी सारी लाइबिलिटीज आती है, चाहे कैपिटल है, चाहे बैंक लोन है, चाहे क्रेडिटर्स है। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट। असेट्स के जो होते हैं डेबिट बैलेंसेज होते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। असेट्स अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस दस शोन एट द असेट साइड, और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उनको लाइबिलिटीज साइड में शो करते हैं। फॉर्मेट अगर आप देखेंगे एक बार, तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज एट किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, इसलिए लिखा जाता है बैलेंस शीट एज एट। फॉर्मेट क्या है इसका, लाइबिलिटीज अमाउंट असेट अमाउंट, डेबिट क्रेडिट नहीं है इसमें, लाइबिलिटीज अमाउंट असेट अमाउंट। असेट साइड पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या है, जितनी भी आपके असेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, लोन एंड एडवांसेस गिवन, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रीमाइसेस, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, ये सब आपकी क्या कहलाती है बेटा, असेट्स कहलाती है। कौन से साइड में लिखेंगे, असेट साइड में लिखेंगे। लाइबिलिटीज में देखिए, मेनली कैपिटल में एडजस्टमेंट रहेगा, कैपिटल डीवी रहेगी आपको, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, माइनस क्या क्या करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या नेट लॉस वगैरह अगर है तो इन सबको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर? फिर सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स एंड एडवांसेस टेकन, अगर हम लोगों ने लोन लिया है तो वो सब भी लाइबिलिटीज साइड में, रिजर्व्स फंड वगैरह अगर किसी तरह के हैं तो वो सब कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लाइबिलिटीज साइड में। एक थ्योरी पॉइंट रहता है बेटा ग्रुपिंग और मार्शलिंग का, डिस्कस करते हैं हम लोग क्या होती है ग्रुपिंग और क्या होती है मार्शलिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, इट मीन्स पुटिंग आइटम्स ऑफ अ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन अकाउंटिंग हेड। जैसे मैं हेड बना दूँ फिक्स असेट्स, अब फिक्स असेट्स में केवल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी यही सब चीज़ें आएगी, तो ये हमारे लिए जो ग्रुप आपने कर दिया, फिक्स असेट्स का ग्रुप बना दिया, मैंने ग्रुप बना दिया करंट असेट्स, डेटर्स, स्टॉक, ये सब, कैश, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, तो ये सब हमारे लिए क्या है, ग्रुपिंग हमने कर दी कि करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स असेट्स, ये ग्रुपिंग कहलाती है ना, ग्रुप आपने बना दिए पर्टिकुलर हेड के, तो वो ग्रुपिंग। और मार्शलिंग क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन बैलेंस शीट इज कॉल्ड मार्शलिंग, पर्टिकुलर ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी का मतलब क्या है, परमानेंट असेट्स, फिक्स असेट्स पहले लिखेंगे, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, करंट असेट्स लिखेंगे। तो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी अगर आपने बनाया है फ्लो, तो वो कहलाता है आपके लिए क्या, मार्शलिंग। और ग्रुप्स जो आप बनाते हैं वो क्या कहलाता है आपके लिए, ग्रुपिंग। फिक्स असेट्स का ग्रुप ग्रुपिंग कहलाएगा, पहले फिक्स असेट्स लिखी फिर करंट असेट्स लिखी, ये कहलाएगा मार्शलिंग इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। हो सकता है पहले आपने करंट असेट्स लिखी फिर आपने फिक्स असेट्स लिखी, तो वो कहलाएगा आपके लिए क्या, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मार्शलिंग कहलाएगी। क्लियर? तो ग्रुपिंग मार्शलिंग थ्योरेटिकल पॉइंट है, याद रखना आप लोग, याद होना चाहिए आपको कि क्या होती है ग्रुपिंग, क्या होती है मार्शलिंग, अच्छी चीज़ है, ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए एक बार थ्योरी को वापस से आप रीड आउट करना, समझने की कोशिश करना, कहीं कोई डाउट है बुक से आप चेक करना, कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच।